रह सकन उन्होंने अंगा कोई किसी तरह की परेशानी ना आए, किसी तरह का कोई अंग फटे ना, रही दुनिया तक रह सके। देख रहे सारे ही दर्शकों मेरे जस्त कैमरामैन ओपी बंटू दे वालों आप सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल। उम्मीद करती हाँ ठीक ठाक होवोंगे। तो अज असीं तुहानूं लैके आए हाँ पिंड भगता भाईका जिला बठिंडा कोठा गुरु घर रोड के उपर। अज असीं तुहानूं एक अजिहे शख्स के नाल मिलाउण जा रहे हाँ जिहड़े कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का कार्ज अपने हत्थीं करदे ने। वीडियो शुरू करन तो पहला असीं आप जी नूं बेनती करदे हाँ कि कमेंट के वाहिगुरू लिख के इस वीडियो नूं शेयर कर दिओ। तो तुम साड़ी वीडियो नाल एंड तक जरूर जुड़े रहो क्योंकि जी अज की है साड़ी वीडियो बनाने का मेन मकसद यही सी कि तुहानू भी दिखाया जाए कि अपने भारत दे विच किदा किदा दे लोक ने जिहड़े कि इन्ने वधिया काम करते हैं। तो अज असीं तुहानू उस शख्स के नाल मिलावांगे जिहड़े कि एक कार्ज अपने हत्थीं करते हैं। हुण इत्थे एक सवाल यह खड़ा हुंदा है कि अजकल जिहड़ियां प्रिस प्रिंटर प्रेसा चल पईआं ने तां पर फिर भी बाई जी नूं इह कार्ज हत्थी कर्म करन दी क्यों लोड़ होई, इह सवाल तां उहनां तों जाके ही पता लगूगा। तो इस तों पहलां मैं तुहानूं दिखा देवां कि बाई जी ने जिहड़ी इह डैकोरेशन आ तुहानूं देखण दे विच तां कच्चा घर लग रहा होगा पर इह कच्चा घर नहीं है। इस नूं बाई जी ने नाम दिता गुरु नानकपुरा न्यासरिआं दा घर, बेसहारा प्राणियों नूं घर जिहड़ा इत्थे दिता गया है। डेकोरेशन बाई जी ने आप की है, प्रिंट जिहड़े इत्थे तुसीं वेख सकते हो कि जिहड़ी पेंटिंग है यह भी बाई जी ने खुद की है। तो तुहानूं दिखाउंदे आ अंदर जाके, अक्सर देखण नूं मिलदा है ये केस अपने अखां दे सामने आम आउंदे ने कि जिहड़े बजुर्ग मापे हुंदे ने जदों वह बजुर्ग हो जाते हैं तो उन्होंने बच्चों के वलों घर कढ दिता जाता है तो रोडों के उपर वह सानू अक्सर मिलते हैं। तो ये बाई जी ने उन्होंने बहुत ही वधिया उपराला किया है। तो बेसहारिया घर इतने बाई जी ने दिता है। तो तुहानू दिखाने अंदर जाके तो किदा बाई जी जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का कार्ज करते हैं। तो उन्होंने पुछते हैं कि हुण तक किन्ने जिहड़े अंग लिखे जा चुके ने। जी हुण साडे नाल बाई जी जिन्हां दा नाम है मनकीरत सिंह जिन्हां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा कार्ज अपने हत्थी कर रहे ने गलबात करदे उहनां दे नाल। हां जी बाई जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी हां जी बाई जी, सब तो पहला तो तुहाडा स्वागत है साडे चैनल ते। हां जी बाई जी, सब तो पहला ये पता कीता जावे है ना कि हुण तक किन्ने अंग जिहड़े लिखे जा चुके ने। करीब करीब 350 अंग जिहड़े महाराज साहिब दे संपूर्ण हो चुके ने। तो उस दे विच समेत तत्करा मिला के 350 अंग हो चुके ने। उहदा समा लगण दा कारण भी आई है भी 3 साल हो गए तकरीबन लिखदिआं नूं क्योंकि उहदे उत्ते सोना लगदा है गुरु ग्रंथ साहिब दे उत्ते। कई बार फिर नहीं भी बजट हुंदा, पैसा नहीं हुंदा तां उदों फिर कार्ज रोकणा पैंदा है, तां करके फिर समा लग रिहा जी। भाई जिद्दां कि तुसीं कहा है ना भी सोना लगा रहे हो, पर इह सोना लगाउण दा मेन मकसद की आ? मेन मकसद सोना लगाउण दा कोई दिखावे दा नहीं, गुरु साहिब नूं सोने दा नहीं कोई मतलब,
ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸੁਨੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਭ ਨੀਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉੱਥੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧਾਤ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਨ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 800 ਸਾਲ 1000 ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੁਰਾਤਨ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਰੰਪਰਾ ਆਪਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਗ ਫਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰੂਪ ਛਪਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੇ ਸਰੂਪ ਛਪਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 7000 ਦਾ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਲ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰੂਪ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਲਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੋਊਗਾ ਲੜੀਵਾਰ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵੱਧ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗ 'ਤੇ 7000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਣਗੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਬੇਸਾਰੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨਾਥ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਸਾਰੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ ਨਾ
अटल गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह बादशाह पातशाह ने। देखो जे चंदोआ आप गल करिए चंदोआ जो जिन्हों आप आम शब्दों के चाननी बोल रही उत्ते चंदोआ चौर साहब तख्त ज महाराज ब वरत कड़ियाल जिड़ी आप वरतते हैं ये सारे के सारे राजसी चिन्ह ने महाराजा के चिन्ह ने। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह राजन के राजा महाराजन के महाराजा महाराजा के भी महाराजे है गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह उन्होंने सारे तख्त सारिया चीज़ा छोटिया ने सोना भी छोटा है पर आप सोचते हैं भी महाराज सच्चे पातशाह जुगो जुग अटल जेडे धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह मेरा समा रह सकन उन्होंने अंगा कोई किसी तरह की परेशानी ना आए किसी तरह का कोई अंग फटे ना रही दुनिया तक रह सके ये सोच है मेरी। बाकी चंगा माड़ा तो संगत ने सोचना है कई वो तो देखो अपनी अपनी सोच है कई मैं ए भी कह देंगे ने भी ये आप पैसे इकट्ठे करते हैं जां कुछ करते हैं जां कुछ करते उस तरह तरह की अपनी अपनी सोच। देखो आप किसी नूं सफाई नहीं देनी गुरु जानता है गुरु नूं पता है भी की सच्चाई है ते की नहीं। देखो अब मैं दुनिया तो किसी तो कुछ लुको लूँगा पर सच्चे पातशाह तो नहीं लुको सकता जो अंदर बैठा खुद उन्हें तो कर्मा का फल देना दद्दा दोष ना देऊं किसी दोष कर्मा अपने आ जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजा वर्जना मेरे पातशाह ने मैनू उसका फल देना ही देना है। इस करके मेरी तो श्रद्धा यही है जिहड़े चाहवन सिख ने जिहड़े इस श्रद्धा दे विच इस जग दे विच अपनी सेवा पाउंदे ने वो कर्मा वाले ने भागा वाले ने क्योंकि धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहिब दी लिखत दे विच अपनी सेवा पाउणी ये बड़े कर्मा दी निशानी है। ते भाई जी फिर इहनूं लिखण दा कार्ज किवें करदे हो शाही वगैरह यूज करदे हो? बिल्कुल आप बनती है शाही जिहड़ी आप पुरातन शैलियां वरतदे सी ना सोना पा के उही शैली दे नाल मैं शाही बना रहा सारी दी सारी वह भी उहदे विच भी इहो जिहियां चीज़ां पाईआं गईआं ने जिहड़ियां उह शाही छेती खराब ना होवे नीला थोथा पाया गया कीड़ा ना लगे घुण ना लगे काफ़ी लंबे रस समा रह सके। भाई जी विधि तुसीं कित्थों लई? ये मानकोश दे विच भी है सैकड़े सरूप महाराज साहब के जिहड़े पुरातन सरूपां दे दर्शन भी किए उन्हां दे पिछों भी पिछे लिखिया होया मिल जांदा है शाही की विधि तो उन्हां सरूपां दे विच्चों भी तो मानकोश दे विच्चों भी ये सारी विधि मैं प्राप्त की जड़िया वस्तुआ की जी सगिया जिमें कोई दीवे का फुल हो गया ज कोई बोल हो गया इन्ह चीज़ों की पहचान मैं पहला तो सी क्योंकि मैं संतों को आयुर्वेद का काम करते होंगे तो उन्होंने जड़िया बूटिया की जो वस्तुआ की सी नॉलेज त करके फिर मैं बहुत ही परेशानी नहीं आई लभण के वैसे आए हैं भी थोड़ा बहुता तो परेशानी पैंती है जो नवी चीज़ सीखी है। हाँ जी हाँ जी जेकर भाई जी मैं गल कर ला भी मनुख नूं अक्सर गलतियां दा पुतला कहा जांदा है तो लिखण टाइम जे गलती हो जाए जां अक्षर दा हो जाए फिर तुसीं उहनूं किद्दां सही करदे हो? पहली गल तो हले तक होया नहीं वैसे भुलण अंदर सब को भुल गुरु करतार गलती हो सकती है उहदा फिर मैं इह हल कीता भी जिहड़ा गोल्ड साइडां दे उत्ते लाउणा जिथे गलत हो जाएगा उत्थे गोल्ड लग जाएगा सोना लग जाना सोने दी इंक लग जानी उस दे उत्ते फिर अक्षर लिखे जाने। पहला जिहड़ी विधि हुंदी सी उह छेदण दी विधि हुंदी सी पीला रंग ला के वो तो छेद देना अखर दूस बाहर अंग तो मीनाकारी तो बाद जो बेलकारी तो बाहर लिख देना अखर प्लस का निशान पा के पर हूँ मैं सोचा भी इदा नहीं करना उत्थे गोल्ड ला के उत्ते ही अखर लिख दिया करना जे कि गलती होंगी भी है तो। भाई जी पहला तो गलती होंगी नहीं मतलब शाही वगैरह जो कि ज़्यादा लग जाती हो फिर थोड़ा करन की लोड़ पैंदी होनी है? हाँ तो तकरीबन हाले तक पई नहीं जे लोड़ पई तो जरूर लावांगे। हाँ जी बाई जी जिदा कि सानू देखने है ना पिछे मिलया है तुम बेसहारा जो इतने घर दे रहे हो बच्चे जो इतने बेसहारा बैठे ने बजुर्ग बैठे ने उन्हों की सेवा फिर कि चलती है? उन्हों की सेवा भी देखो मैं कीर्तन करदा जी। हाँ जी बाई जी जी जिदा कि असं देखे पिछे जो बेसहारे बच्चे आ बजुर्ग आ इतने रह रहे हैं तो फिर जी उन्हों की सेवा फिर वह किमें चलती है? देखो जी मैं थोड़ा दिखा भी दिना वैसे बच्चे जिदा सारा कुछ अपने को वैसे मैं कीर्तन करदा कीर्तन करन दे नाल चलो जिहड़ी भेटा साडी हुंदी है असीं कीर्तन दी इत्थे ही ला दिंदे आ जां फिर संगत भी सहयोग कर दिंदी आले बाले पिंडां दे लोक ने जिहड़े ओह भी सहयोग करदे ने हौली हौली करके सारा कुछ संगत दे सहयोग दे नाल ही हुंदा इहो जिहे कारज हुंदे ने ना जिहड़े ओह कोई भी कल्ला इंसान नहीं कर सकदा हुंदा
सहयोग के नाल ही चलते हैं। गुरु मर्यादा अनुसार जो भी कह दी पहलों तो भी गुरु घर के कोई चलती सी तो संगत के दसबंध के नाल ही चलती सी। जे अज आप किसी भी गुरु घर जाने वह संगत का दसबंध ही होंगे ना, तो यह भी भाव कि गुरु घर ही है जिथे लोड़वंदा की मदद करी जाती है, बेसहारा की मदद करी जाती है। इतने भी फिर वो गुरु के सहयोग संगत के सहयोग के नाल ही चल रहा सारा कुछ, क्योंकि गुरु गुरु साहब ने यह सेवा लाई है तो सहयोग संगत का भी आप ही दवा रहा। फिर किन्ने जड़े थे बेसहारा रहिंदे ने? करीब कुछ 12 क जने ने जी, बच्चे ने कुछ बजुर्ग ने ते सारे मातावां ने बजुर्ग भी ने होर भी ने, ते एहो जे हालात दे विच्चों भी असी बंदे लैके आए जिहड़े रूड़ियां ते बैठ के रूड़ियां ते चुक चुक के कूड़ा खांदे सी, वो बाहर बैठे ने वो असी लैके आए सी। मंदी हालात वाले भी मिलते हैं, चंगे वाले भी मिल जाते हैं, कई परेशान इन्ने समाजिक तौर पर भी वो भी मिले ने। चलो हुण गुरु पातशाह ने जिथे सेवा लाई है चल रही है। हाँ जी भाई जी, जो जो कोई बेसहारा गा वो इतने जो तुम उन्होंने लैके आते हो ना, तो किसी की मंजूरी लेनी पैंती है? मंजूरी तो देखो नहीं, फिर आप असी लिखत लिखती रूप से लैने, क्योंकि रजिस्टर संस्था अपनी ये सारा कुछ रजिस्टर्ड है, तो असी अपने लैटर पैड के उत्ते लिख के उधरों सरपंचा पंचा तो पिंड दे विच्चों लिखवा के फिर लैके आने, क्योंकि कई बार किसी नूं कोई परेशानी आ जाए, कोई जानी माली किसी का नुकसान हो जाए, फिर वो कोई पिंड वाला बंदा कोई उठ के बाद च सानू करे परेशान, वो सारी असी कार्रवाई करके फिर लैके आने। इदा नहीं तो वो जिहड़े बजुर्ग बैठे ने बाहर उधर इधरली साइड जिहड़ा बजुर्ग काक वीर बैठा वो रूड़ियां तो चुक चुक के कूड़ा खांदा सी, तो अज बिल्कुल ठीक है, दिमागी हालत नहीं सी ठीक, हुण बिल्कुल ठीक है, हुण इत्थे साडे कोल रहिंदे ने, प्रशादा पानी छकदे ने, आ वीर जिहड़ा इत्थे बैठे ने ये असीं हफ्ता क पहला लैके आए हैं। इहनूं दिमागी परेशान सी, वाइफ छड्ड गई सी, बच्चे मतलब छोटे छोटे दो बच्चे ने, तो मतलब बहुत ज़्यादा इनू पता भी नहीं सी, हुण अज इनू होश आई है कि हुण ठीक होया, बुखार सी हुण चलो हुण ठीक है, बहुत बुरा हाल सी। अच्छा, तो इत्थे लैके इलाज भी कराउंदे हो? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, हॉस्पिटल धनोला तो जिथे मतलब मैंटल हॉस्पिटल है जिहड़ा, उत्थों इलाज चल रहा वीर का। तो वीर जो असीं लैके आए ना, वीर गड्डी दे शीशे दे नाल टक्करा मारदा सी, खून कढ लिया सी, 2 महीनों तो चौंकड़ी मार के इदा ही बैठा, तो इहदियां लत्तां पट के खोलियां, तो 2 महीनों तो कुछ भी नहीं सिखांदा। सच्चे पातशाह ने कृपा की, असी आके इत्थे अरदास की, इन्हें एक गिलास दुध का पीता, उस बाद दवाई लिती, दवाई लैण तो बाद सौ गया। अच्छा। फिर सवेरे तो दिन दिन करके हुण हफ्ता हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, बोलन भी लग गया वीर हुण। अच्छा। आप दसन लग गया, सारा कुछ पता लग गया, हुण कहिंदा वी मैं अपने बच्चों नूं मिलना, पहला तो बिल्कुल पता ही नहीं सी इहनूं भी कित्थे सी मैं कित्थे नहीं, आपदा ऐ भी नहीं सी पता मैं घर सी, पर चलो जिवें भी गुरु साहिब ने सेवा लाई है चली जांदी है जी। हाँ जी भाई जी, जिदा कि असं देखिया ना पिछले तुम वधिया उपराला कर रहे हो बजुर्गों का, जो बेसहारा बच्चा इतने वधिया उन्होंने जोड़ा आसरा दिता। तुम जेकर मैं गल कर ला भी तुम जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का कार्य पूरा होंगे, तो उस तो बाद सोचा जा उन्होंने कितने रखा जाए जो कितने प्रकाश किया जाए? देखो पहला तो साडा मन सीगा दरबार साहब, दरबार साहब तो एक बार शुदाई ली जाएगा ही, पर फिर असी सोचा भी इतने गुरु नानकपुर ही प्रकाशमान करिए। अच्छा। क्योंकि इतने गुरु साहब आ जाएंगे तो बसया वा लगेगा, हूँ तो गुरु साहब तो बिना तो उजड़िया होया ही है कह दिए, भी जिते गुरु साहब आ जाएंगे इतने सारा बस जाएगा, इतने गुरु साहब राखे हो जाएंगे। हूँ असी न्यासरिया का वरत रहे हैं, भी न्यासरिया का घर है, जो तो सारिया का आसरा जोड़ा गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह इतने आ जाएगा, फिर असी न्यासरिया का कट के कला गुरु नानकपुरा रख देना, भी कला गुरु नानकपुरा रह जाएगा, क्योंकि आसरा जोड़े धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सारे का आसरा आ जाएंगे इतने, उदो असी इतने प्रकाशपन कर लेना उन्होंने देख, बाकी जिमें भी गुरु साहब का हुक्म होगा जी। तो भाई जी पब्लिक नूं की मैसेज देना चाहोगे? देखो जी मैसेज तो यही है भी चंगे कार्ज करने वास्ते किसी पैसे धन दौलत की लोड़ नहीं, तुहाडी सोच चंगी होनी चाहिए है, तुहाडे अंदर जज्बा होना चाहिए। देखो मेरे को अज भी कोई पैसा नहीं ना पहला सी, ते हुण इन्हां दी मदद जां सेवा जो कोई भी चल रही है सारी संगत दे सहयोग दे नाल ही, ते जदों तुसी कार्ज शुरू कर लिया ते वो अगे करता आप ही करवाई जांदा है। हुण सानू थोड़ी जी परेशानी तो आ रही है, देखो इत्थे
ਸਾਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਓਮਨੀ ਵੈਨ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ 1000 ਬੰਦਾ ਜੇ 500 ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ 500-500 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਨ ਆ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ ਮਨਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। NRI ਵੀਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ 7000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਬਾਸ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।